अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जहां हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 गिवन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गिवन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 है, जिसे सॉल्व करने पर यह प्राप्त होता है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम यह भी लिख सकते हैं, जहां ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल, और बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल मिल जाती है। क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। इस इक्वेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह प्राप्त हो जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2√2/3√7। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा 16√2/3√7। तो इस प्रकार से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं।